मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यकी बद्री के तारे, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज केदारनाथ से अपनी यात्रा पूरी करते हुए गौरीकुंड पहुंचने वाला हूं। यहां सबसे पहले हम गौरा देवी मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गौरीकुंड में स्थित गरम कुंड यानी तप्त कुंड में। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौरी माई के मंदिर में। गौरी माई का मंदिर बहुत ही प्राचीन, सुंदर और दर्शनीय है। यहाँ पर एक पर्वतशाला भी विद्यमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ बैठकर ध्यान लगाया था। गौरी माता मंदिर के नीचे ही हमें मंदाकिनी नदी देखने को मिलती है, जिसका पानी बहुत ही ठंडा है, बर्फीला पानी। और मंदाकिनी नदी के बगल में ही है गरम कुंड, जहां पर अब हम जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह पानी बहुत ही गर्म है, लेकिन इतने ठंडे में इतना गर्म पानी का होना थोड़ा अविश्वसनीय है। तो सबसे पहले हम पानी को देखते हैं। ये पानी तो बहुत गर्म है, चलो जरा आइडिया तो दो, शेयर करो भाई साहब कैसा पानी है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है कि शरीर पे नहीं डाल सकते। दिखाना जरा मुझे भी, ये लीजिए देखिए इतना गर्म। बाप रे, ये नहा रहा हूँ कि थकान मिट जाएगा बस। ये वाकई में पानी बहुत गर्म है, जैसा कि अभी देखा आपने, मैंने टच किया था, बहुत ही गर्म पानी था ये गर्म कुंड का। मैं अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। इतने ठंडे में इतना गर्म पानी हो रहा है, मुश्किल है बहुत। बहुत ठंडे से डरते हैं, यहाँ गर्म से डरना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आप डायरेक्ट एक लोटा डायरेक्ट नहीं डाल सकते सर, में बहुत तेज गर्म हो रहा है पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने तप से इस कुंड का निर्माण किया था। तप्त कुंड का औषधि गुणों वाला पानी चर्म रोगियों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में तप्त कुंड की विस्तार एवं महत्ता के बारे में बताया गया है। अगर आप नॉर्मली नहा रहे हैं, इतने गर्म पानी से आपने कभी जीवन में नहीं नहाया होगा, और यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि जहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है वहाँ इतना गर्म पानी हो सकता है। वाकई में प्रकृति का इतना करिश्मा है, जहाँ बिल्कुल बर्फ से निकलकर पानी निकल रहा है इतना ठंडा, वहाँ पे इतना गर्म पानी है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि यह पानी कितना गर्म है, यह सब भोलेनाथ की कृपा ही है कि जो हम 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं और 16 किलोमीटर वापस आते हैं, और जैसे ही इस तप्त कुंड में हम स्नान करते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, शरीर का सारा दर्द दूर हो जाता है। अभी अभी उस कुंड में हमने नहा रखा है, मतलब एक अविश्वसनीय चीज़ ये है कि जहाँ इतना ठंडा पानी आ रहा है जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा हिम से मेल्ट होकर पानी आ रहा है नदी, इतना ठंडा पानी है। कल भी आपने देखा होगा हमने स्नान किया था, और यहाँ पे ये इतना गर्म पानी है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये कुंड का पानी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने गर्म कुंड में स्नान किया, इसके बाद हम जा रहे हैं ऊखी मठ को। ऊखी मठ वही जगह है जहाँ पर से बाबा केदारनाथ का डोला उठता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ की। जय देवभूमि उत्तराखंड।